हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स मदर कैंडल के ऊपर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताएंगे काफ़ी जगह से आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा मदर कैंडल इनसाइड बार बुलिश इनसाइड बार क्या होती है बेरिश इनसाइड बार क्या होती है तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है इसके ऊपर कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे एक एडवांस लेवल पर चल करके हम लोग मदर कैंडल का यूज़ करना सीखेंगे वो यूनिक चीज़ क्या होती है कि मदर कैंडल को हम लोग यूज़ कहाँ पर करेंगे जिससे एक्चुअल में हम लोग प्रॉफिट कर पाए वीडियो को अगर अच्छा लगता है और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए क्या लिखा है फॉर एन इन साइड बार फॉर एन इन साइड बार टू बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न देयर शुड बी एन इन साइड बार फ्रॉम अराउंड मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देखिए मदर कैंडल का यूज आप ऐसे कहीं पर भी नहीं कर लोगे कि के मदर कैंडल कोई बनी है आप बस उसको जस्ट आपने उठाया उसको ट्रेड कर दिया वहाँ पर आपका एक कोई मेजर सपोर्ट एरिया होना चाहिए जहाँ से आपको इसका यूज़ करना है ठीक है अभी हम लोग क्या देखेंगे ना डे टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल में हालांकि डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस होती बहुत जरूरी लेकिन कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि डे टाइम फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहे या फिर इन शॉर्ट जिस तरह की वीडियो दस या पंद्रह मिनट की वीडियोज हम अपलोड करते हैं बीस मिनट में डे टाइम फ्रेम को समझा मतलब ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है डे टाइम फ्रेम को रीड करने में इसमें हम लोग करेंगे क्या कि मार्केट खुलते ही हमें टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना हम लोग फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही रहेंगे एंड फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अपना एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ अभी हम बताएंगे ना आपको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी चार्ट पर लगा लो लेकिन फिक्स करके रखना हम लोग बेसिकली अभी जो एग्जांपल लेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर लेंगे और फाइव मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अब देखिए किस तरह से प्रोफेशनल्स काम करते हैं बिकॉज बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स होती है उन्हीं टेक्निक्स का ही आपको यूज़ करना होगा बहुत ज़्यादा आप गामा थीटा ये वो पुट रेशियो कॉल रेशियो सारी चीज़ें काम करती है अपनी जगह पर जब आपको एडवांस एनालिसिस करनी पड़ेगी तो इन सारे डाटा को रीड करना पड़ेगा जितना भी डाटा है आपको रीड करना पड़ेगा बट सिंपल वे में जितना आप लेकर के चलोगे चीज़ों को उतना ही ज़्यादा आपको ये आगे चल करके प्रॉफिटेबल बनाएगा अब जैसे मार्केट हमारी खुली खुलने के बाद में मॉर्निंग में जो सबसे पहला स्विंग लगता है मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग होता है ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं

हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि प्राइस ने अगर इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं किया तब तक ये हमारा साइड है लेकिन अगर ब्रेक कर देगा तो मूव की एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इसके अंदर वॉल्यूम के भी रोल प्ले होते हैं हालांकि बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहे बट अगर इसके अंदर आप डे टाइम फ्रेम के एनालिसिस को और अच्छी तरह से ऐड कर दो और अपनी रीडिंग की स्किल्स को इसके अंदर और भी अच्छी तरह से प्ले करो तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आप इसके अंदर ले करके चले आओगे बट अभी उन कॉन्प्ट के ऊपर हम लोग नजर नहीं डालेंगे जस्ट हमें ये देखना है कि हमारे डे का फर्स्ट स्विंग हाई और स्विंग लो जो बन रहा है वो कितना ज़रूरी है अब यहां पर हमने देखा स्विंग हाई मार्क कर लिया और स्विंग लो मार्क कर लिया अब प्राइस का जो मूव है ये आपको देखना है यहां से अगर नीचे की तरफ टूट रही है मार्केट यहां से प्राइस अगर नीचे की तरफ टूट रहा है इस वाले स्विंग के पास में आपको मदर कैंडल दिख जाती है आप यहां से ट्रेड मार दो डाउन साइड की तरफ और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा जहाँ पर भी आप रखना चाहो वहाँ से आपको स्टॉप लॉस रखना है बिकॉज यहाँ पर अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं मदर कैंडल को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं जस्ट इसका अपोजिट हमें देखना है कि प्राइस ने अगर हमारा स्विंग हाई लगाया हुआ है तो ये मेरा डे का सबसे पहला स्विंग बना प्राइस अगर यहाँ से अप साइड की तरफ निकल रही है ऐसे निकल रही तो निकल जाने दीजिए मूवमेंट तो तब भी आएगी लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग मदर कैंडल के कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर बस एक ये कंडीशन होगी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मार्केट यहाँ पर एक मदर कैंडल फॉर्म कर दे और जैसे ही इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो हम यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जैसे ग्रासिम का ही ट्रेड है ये ग्रासिम का एग्जाम्पल या कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं जैसे आप ये मान के चलिए आज का ट्रेड है ना ओके यहाँ पर हमारा डे का सबसे पहला हाई कहाँ पर लगा ये कैंडल हमारी यहाँ से एक लो अगेन देखिए हाई और फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया एक लो लगा दिया अब देखिए फर्स्ट स्विंग ये लगा और एक मेरा स्विंग ये वाला लगा क्लियर है मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक ये साइड मूव प्ले कर रही है वन टू वन टू है ना और जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट मारा ब्रेकआउट मारने से पहले में क्या देखना होगा मदर कैंडल की फॉर्मेशन यहां पर फाइंड आउट करनी है तो इस ब्लैक वाली कैंडल को देखो एक लो हमने मार्क कर लिया और इसका ये हाई मार्क कर लिया क्लियर है और जैसे इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ होगा स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे प्राइस देखिए क्या किया है पूरे दिन उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया अपसाइड की तरफ यानी कि ये जो डे की फर्स्ट फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्विंग हाई और स्विंग लो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आप इसको देखो अब जैसे ग्रासिम ने कल के दिन क्या किया था फेर मिनट का टाइम फ्रेम है इसको हटाइए और फिर से हम लोग स्विंग मार्क कर लेते हैं चलिए अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है एक हाई मेरा इस जगह पर लगाया और एक ये यह लो यहाँ पर लगा दिया मतलब स्विंग हाई और स्विंग लोज जो मार्केट ने लगाए हैं मेरे इस वाले एरिया पर मेरे स्विंग हाई और स्विंग लोज लगे हैं अब जस्ट यहाँ पर मार्किंग कर लो जब तक प्राइस हमारे इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक इसका मूव आपको साइड मूव ही नजर आएगा हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज हमें जो ट्रेड करना होगा हमारी इस कैंडल के नीचे ही हम इसको ट्रेड करेंगे मतलब कि नौ बजकर तीस मिनट की कैंडल के नीचे तो देखिए आज भी मार्केट हमारी उस रेंज के अंदर ही रुकी हुई है ग्रासिम को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रख लो आप देख लेना अगर मार्केट ने ग्रासिम ने कल मूव डाउन साइड की तरफ दिखाया यहाँ पर तो इसके अंदर कितना अच्छा मूव मिलेगा और अगर यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकला तो भी यहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हिंडाल को हिंडाल को है चलिए अब इसमें मार्किंग देखिए और मार्किंग में कंफ्यूज मत हो जाइएगा एक ये हमारा हाई लगा यहाँ पर देखिए एक हाई है हाई के बाद में ये लो लगा लो के बाद अगेन ये एक हाई लग गया क्लियर है अब ये दो पॉइंट्स जो बने हमारे हम लोग इसे मार्क कर लेंगे एक तो ये मेरा स्विंग लो लगा और ये मेरा जो स्विंग हाई लगा क्लियर है इन्होंने स्विंग लगाया और यहाँ से मार्केट हमारी स्टार्ट हुई है क्लियर अब यहाँ से हमें देखने हैं प्राइजेस के ब्रेकआउट अगर अप साइड की तरफ मूव होगा तो हम लोग बाइंग अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है हमारे इस वाली रेंज को प्राइस नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग देखेंगे अब यहाँ से अगर हमें बाई देखना है तो देखिए इसी लेवल के पास से आपको मदर कैंडल फॉर्मेशंस दिखनी है हमारे लेवल्स पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है आप यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो देख रहे ना सारी चीज़ें जो हो रही हमारे इस इंपॉर्टेंट एरिया यानी कि डे का जो सबसे पहला स्विंग हाई या स्विंग लो बन रहा है वहीं पर सारी एक्टिविटी करनी है इसी जगह पर आप मदर कैंडल का यूज करो देखना आप कितनी अच्छी तरह से ट्रेड कर पाओगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार ट्रेंड एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किस तरह से आपको करने हैं और वॉल्यूम के एनासिसिस कर लीजिएगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत हद तक ये शो कर देती है कि प्राइस के जो मूवमेंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में हो सकते हैं बिकॉज ब्रेकआउट बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं वॉल्यूम्स के ऊपर अब यहाँ पर देखिए हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही चीज़ें सेम डायरेक्शन में हमें प्ले करती हुई नजर आ रही हैं ब्रेकआउट कर देने के बाद में देखिए प्राइस दोबारा हमारा उस लेवल पर आया ही नहीं है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या फिर ऐसे पावरफुल ब्रेकआउट्स होते हैं जिसको कि ब्रेक करने के बाद में प्राइस आपको सस्टेन होता हुआ नजर आ जाएगा कोई भी स्टॉक उठा लो आप किसी भी स्टॉक को इस मेथड के थ्रू ट्रेड कर सकते हो भी कोई ये क्या है टेस्ला देखिए टेस्ला के अंदर क्या है हमने स्विंग लो मार्क किया और ये हाई मार्क कर दिया अब देखिए इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद से जो हमारा फर्स्ट स्विंग बना था इस रेंज की ब्रेकआउट के बाद से प्राइस का मूव देखिए कहाँ है और अभी भी मार्केट जो आज ओपन हो रही है वो नीचे की दिशा में ही ओपन कितने ही सारे स्टॉक हैं अपने पास एशियन पेंट है मारुति है अब मारुति है मारुति को देखिए लास्ट एग्जाम्पल है बहुत सिंपल चीज़ है लो हाई अगेन एक हमने लो मार्क कर लिया क्लियर अब या तो आप ये वाला स्विंग ले लो या फिर हम ये वाला लो ले लें अब मार्केट को कहीं ना कहीं अपने या तो इस वाले लो को ब्रेक करना होगा या फिर हाई को ब्रेक करना होगा अब इसके बाद से देखिए प्राइस ने जैसे ही अपना ये वाला हाई ब्रेक किया इसके आगे के मूव्स देखिए प्राइस दोबारा आपका उस रेंज में आया नहीं है और ये मूव्स ही हमें बस कैच करनी होती हैं जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का उस एक्सपीरियंस को इसके अंदर ऐड कीजिए और तब जाकर के आप इसके अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ऐसे ही नहीं कि अभी हमने बताया और मॉर्निंग से आपके फटाफट से आपने दो चार पाँच छः सात आठ लॉट के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया या अब इक्विटी में ही आपने हज़ार दो हज़ार क्वान्टी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया ये सब मत करिएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके बाद मैं आप इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना आपको बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर एक्यूरेसी समझ में आएगी किसी एक सिस्टम को पकड़ करके जब आप काम करोगे ना तो उस सिस्टम की एक्यूरेसी आपको समझ में आती है थैंक्स एंड आई होप कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा एंड आपने इसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आज हमने किसी भी तरह का को कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया ये अपनी पोजिशन बुक है पोशन बुक भी देखिए खाली पड़ी है पूरी और ऑर्डर बुक एक भी ऑर्डर नहीं लगाया बिकॉज अपने प्राइवेट ग्रुप में हमने अडानी पोर्ट्स को शॉर्ट करने के लिए रख रखा था सभी लोगों के साथ हमने अडानी पोर्ट्स को शेयर किया था सेल करने के लिए इस लेवल के नीचे हम कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे बट प्राइस इस लेवल के नीचे निकला ही नहीं एंड अडानी पोर्ट्स ने हमको हमारे लेवल के नीचे किसी भी तरह की कोई कन्फर्मेशन नहीं दी इसीलिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया न ही हमारे मेम्बर्स ने अडानी पोर्ट्स को ट्रेड किया और ना ही हमने ट्रेड किया तो मेरा तो फिलहाल आज कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं रहा एंड अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तब तक के लिए थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन